जुल्म की ये ज़ाबतें हम नहीं मानते। उनकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी, सुनामी के मारे सड़कों पर निकल आए। शहर में जगह जगह एहतजाज, मुजाहरे, अवामी रिक्शा यूनियन, वाबडा मुलाजमीन, जमात इस्लामी और नून लीग सरापा एहतजाज। अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा, वजीर खजाना असद उमर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चेयरमैन मजीद गौरी ने कहा कि इमरान खान निकम में वजीरों से जान छुड़वाएं, हुकूमत गुर्बत का खात्मा करे, गरीब ना खत्म करे। जमात इस्लामी यूथ महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, नून लीग की सोशल मीडिया टीम का भी एहतजाज। वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन खुर्शीद ने कहा कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी। डॉलर 143 पर नोट आउट, पाउंड की डबल सेंचुरी, पेट्रोल की सेंचुरी मुकम्मल, कप्तान की बदतरीन बॉलिंग, खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था। चौधरी मंजूर का महंगाई पर दिलचस्प तबसरा, हसन मुर्तजा का महंगाई के खिलाफ पंजाब असेंबली के इजलास में भरपूर एहतजाज का ऐलान। खजाना खाली मंसूबे हुकूमत पर भारी, तरक्याती मनसूबों से मुतालिक हुकूमत का नया हुक्मनामा जारी। सुस्त रफ्तार मंसूबों के फंड सरेंडर करने का हुक्म, मुतालिका इदारों को तेज रफ्तार मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। मालगाड़ी की बोगियां रहीम यार खान में डीरेल, लाहौर से कराची और कोयटा जाने वाली ट्रेनें रुक गईं। कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस 11 घंटे ताखीर से रात 1 बजे चलेगी। कराची एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर से रात 10 बजे रवाना होगी। मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर खार, पानी का इंतजाम और ना बैठने का बंदोबस्त, ख्वातीन और बच्चे गर्मी में बेहाल। रेलवे हुकाम की मुसाफिरों से माजरत, ट्रेन की बोगियां उतरना अफसरान की गफलत और लापरवाही करार। चेयरमैन रेलवे ने 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया, इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी भी कायम। दो माह गुजर गए, बल्दिया उज़्मा का इजलास ना हो सका। बल्दिया उज़्मा ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। चेयरमैन इत्तेहाद के प्रेशर ग्रुप के सामने लॉर्ड मेयर बेबस। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 319 मेंबर इजलास ना होने पर तजब्जुब का शिकार। 30 जनवरी को होने वाला आखिरी इजलास हंगामा आरई की नजर हुआ था। बल्दियाती निजाम का ऊंट किस करवट बैठेगा, बुजदार सरकार बोखलाहट का शिकार। बल्दियाती निजाम को हतमी शक्ल देने के लिए एक और कमेटी बना दी। पहले अब्दुल अलीम खान की जेरे निगरानी कमेटी बनी, अब राजा बशारत की सरबराही में कमेटी तश्कील। बल्दियाती निजाम से मुतालिक बिल पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। लाहौर तालीमी मैदान में सबसे पीछे रह गया, प्राइमरी और मिडिल के इम्तिहानात में बदतरीन कारकर्दगी। 36 अजला में लाहौर का कारकर्दगी में आखिरी नंबर, जिला उकाड़ा 98% नतायज के साथ पहले नंबर पर आ गया। सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर कहते हैं कि मियारे तालीम पर तवज्जो दी जा रही है, खराब नतायज देने वालों की इंक्वायरी करेंगे। स्कूल सरबराहान और असातजा से जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ का 7 रोज में शरीफ मेडिकल सिटी में तीसरी बार तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने 2 घंटे और 10 मिनट तक मुख्तलिफ टेस्ट किए। दिल के अंदरूनी हिस्से के जायजे के लिए इको कार्डियोग्राम किया गया, कल MRI, MRA और दीगर टेस्ट होंगे। डॉक्टर्स की नवाज शरीफ को अद्वियात जारी रखने की हदायत। नवाज शरीफ को दिल का आर्जा है, गुर्दों की तकलीफ भी बढ़ गई। इलाज पर कितना वक्त लगेगा अभी कुछ नहीं बता सकते, जाती मौलिज डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू। नवाज शरीफ की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट की टेम्परिंग का मामला, FIA साइबर क्राइम विंग ने तहकीकात का आगाज कर दिया। साबिक वजीर आजम की मुख्तलिफ टेस्टों की रिपोर्ट 5 मरतबा टेम्पर करने का इंकशाफ। मरियम नवाज को फ्राहम करदा रिपोर्ट भी टेम्पर की गई। FIA मेडिकल रिपोर्ट नून लीग के सोशल मीडिया ने अपलोड की। चुख्ताई लैब से मेडिकल रिपोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया।
नवाज शरीफ और बेगम कुलसुम नवाज की शादी की 48वीं सालगिरह। मरियम नवाज का जज्बात से भरा ट्वीट। नवाज शरीफ और बेगम कुलसुम नवाज की शादी की तस्वीर भी लगा दी। वालिदा का साथ छूटने का दर्द लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे दिल और दिमाग में आपके साथ गुजरी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। मरियम नवाज का ट्वीट। आमदन से जायद असासे बनाने पर एक और लीगी रहनुमा की इंक्वायरी। नैब ने शेख रुहेल असगर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। रुहेल असगर ने गुज़िश्ता हफ्ते पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तफ्तीशी टीम ने सवालनामा देकर जवाब तलब कर लिया। नून लीग की अहम रहनुमा इश्तिहारी करार। साबिक वफाक वजीर तहमीना दुल्ताना को पुलिस ने इश्तिहारी करार दे दिया। तहमीना दुल्ताना के खिलाफ थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा भी दर्ज। अलीम खान के जुडिशियल रिमांड में नोरोज की तौसी। तहकीकात मुकम्मल हुई या नहीं, अदालत का तफ्तीशी अफसर से सवाल। अलीम खान 1500 एकड़ अराजी की तफसील बताने में नाकाम रहे। तहकीकात जारी है, मजीद वक्त दरकार है। तफ्तीशी अफसर का जवाब। मजीद वक्त जाया ना करें, अदालत की नैब के तफ्तीशी अफसर को हदायत। आमदन से जायद असासाजात केस में अलीम खान की पेशी। एहतसाब अदालत के बाहर कारकुनान की नारेबाजी। शुएब सदीकी कहते हैं नैब सबूत पेश करने में नाकाम रहा। अलीम खान कल हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा हो जाएंगे। आमदन से जायद असासाजात का केस। एसएसपी जुनैद अरशद 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत का जुनैद अरशद को 15 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुनैद अरशद ने कहा कि ईमानदार पुलिस अफसर हूं, करप्शन नहीं की, इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। मियां बीवी के आपस का मामला था जिस वजह से इख्तलाफात बढ़े। हुकूमती वादों के बावजूद हमजा शहबाज को चेयरमैन पीएससी ना बनाया जा सका। 26 कायमा कमेटियां भी ताहाल सरबराहों से महरूम। मुस्लिम लीग नून में बेचैनी बढ़ने लगी। स्पीकर और वजीर कानून से राब्ते का फैसला। मामला तय न हुए तो दीगर कायमा कमेटियों से भी दस्तबरदारी का फैसला। वजीर सेहत ने अद्वियात की कीमतों में आज खुद इजाफे का नोटिस ले लिया। वजीर सेहत की ड्राफ्ट को मामले की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। कीमतें बढ़ाने वाली कंपनीज के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर गौर। मौतल डीएसपी को इल्जामात पर सफाई पेश करने का मौका। आईजी पंजाब ने अफसरान को कल अपने दफ्तर में तलब कर लिया। अमजद जावेद सलीमी डीएसपी का मौकफ सुनेंगे। हाई कोर्ट ने आईजी को तमाम डीएसपी की जाती सुनवाई का हुक्म दिया था। नए पाकिस्तान में भी पुरानी रिवायत। पीएचए अफसरान डिप्टी स्पीकर हाउस पर मेहरबान। हॉर्टिकल्चर के नाम पर लाखों रुपए के 1,99,000 पौधे डिप्टी स्पीकर के घर में लगा दिए। दस्तावेजी सबूत लाहौर न्यूज पर। 3 माह में सरकारी खजाने से बिल भी क्लियर करवा लिए। हुकूमती दरखास्त पर मामूल के मुताबिक पौधे लगाए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीएचए अजहर सुलहरिया। अपनी जेब से तमाम पौधे लगाना चाहता था मगर इजाजत नहीं मिली। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजार। मॉनसून में लाहौर को डूबने से बचाने की मशकें। वासा ने दूसरी बार ड्रेनों की डिसल्टिंग का आगाज कर दिया। एलओएस गुलबर्ग और शालीमार ड्रेन से मशीनरी से मट्टी निकालने का अमल जारी। लव मैरिज करने पर लड़के की खूब धुनाई। पसंद की शादी एक आंख न भाई। लड़की के अहलखाना का हाईकोर्ट में लड़के पर धावा। फ्री स्टाइल लड़ाई में फरीकैन ने खूब हाथ साफ किए। पुलिस अहलकारों ने मंजर देखकर हंगामा करने वालों को अदालत से निकाल दिया। दौरान जज की अमवात की शराह को कम करना होगा। माँ बच्चा के लिए मजीद नए अस्पताल बनाने की जरूरत है। कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों में आंख की बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का पीसी होटल में खिताब। बोली कि अलहमरा हॉल में टीबी से आगाही सेमिनार में भी शिरकत। कहती हैं कि टीबी के 70,000 मरीज अद्वियात से महरूम हैं। टीबी कंट्रोल मंसूबे को मजीद बढ़ाएंगे। शहर को तजावजात से पाक करने का आजम। बल्दिया उजमा का टोलेंटन मार्केट के अंदर और बाहर ऑपरेशन। दुकानों के बाहर से तजावजात हटा दी। अमले ने सामान कब्जे में ले लिया।
इंटरनेशनल डे पर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के जेर एहतमाम आगाही वॉक और जीएम में मुब्तला बच्चे सुपर हीरो हैं। माजूर लोगों को सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए, शुरका का खताब। ऑटिज्म डे की तकरीब में खसूसी बच्चों के माबेन खेलों के मुकाबले, गुलकार अली जफर की भी शिरकत। PCSIR के ज़ेर एहतमाम फूड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद, वज़ीर खुराक और डीजी फूड अथॉरिटी की शिरकत। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान कहते हैं कि अशिया खुरनोश के मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुज़र सेहत अशिया बेचने वालों की निशानदेही में आवाम भी तआवुन करें। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की सरगर्मियां जारी, डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने लाहौर प्रेस क्लब में पौधा लगाया। सदर प्रेस क्लब से मुलाकात की, सहाफियों के मसाइल भी सुने। शहरी दरख्त लगाकर अपना फर्ज पूरा करें, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम कामयाब बनाएंगे, डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद। खेलता पंजाब, सेहतमंद पंजाब, पंजाब गेम्स को कामयाब बनाने का आजम। स्पोर्ट्स बोर्ड के जेर एहतमाम लिबर्टी में आगाही वॉक। हॉकी ओलंपियन रिहान भट्ट, इदरीस हैदर ख्वाजा और खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। पंजाब गेम्स का कल से आगाज, रंगारंग तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। अदाकारा मीरा फिल्म सोहनी माहिवाल की शूटिंग के लिए तैयार। अदाकारा मीरा ने सिविल कोर्ट में फिल्म मुकम्मल कराने की यकीन दहानी करवा दी। मीरा की यकीन दहानी पर अदालत ने दरखास्त निपटा दी। आठ साल की कैद मुअत्तल किए जाए, चीसा की दुहाई। मॉडल चीसा ने मुंशियात स्मगलिंग केस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरक्स फैसला सुनाया, जमानत पर रिहाई की इस्तदा। और जिलानी पार्क फूलों की महक से मुअत्तर, रंग बिरंगे फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज, शहरियों की गहरी दिलचस्पी, खुशनुमा फूलों से लुत्फ अंदोज होने लगे।